हैदराबाद सिविल सोसाइटी की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर सिटी इब्राहिम अरबाब के एजाज में फेयरवेल पार्टी का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ हैदराबाद न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरीब शेख ने सरंजाम दिए। इस मौके पर तकरीब में शरीक तमाम रहनुमाओं ने इब्राहिम अरबाब की खिदमात को सराहा और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। रहनुमाओं का कहना था कि इब्राहिम अरबाब ने अपने दौर में शहर हैदराबाद की भरपूर खिदमत की। इब्राहिम अरबाब जैसे फर्ज शनाज ऑफिसर्स की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत। उन्होंने उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दुआ भी की। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम अरबाब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद के लोग प्यार करने वाले और मेहमान नवाज हैं और मुझे जो यहाँ मोहब्बत और इज्जत मिली है वो मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने बेहतरीन फेयरवेल देने पर सिविल सोसाइटी के अरकान का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के सदर सलीमुद्दीन कुरैशी, अनमोल लाइंस क्लब के जनरल सेक्रेटरी और हाजी महफूज शीरमल हाउस के कोऑर्डिनेटर फहाद मियां, जियाउद्दीन कुरैशी, जुनेद डारी, हैदराबाद सिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर असलम खान देसवाली, चेयरमैन पुलिस अमन कमेटी इमरान सोहरवर्दी, एहसन नागड़, फयाज़ आवान, यूसुफ मेमन, रहमतुल्ला सान, नाजिश फातमा, सबीन जावेद, अनीसा वलीउल्ला, आबिद कादरी, अमीन मेमन, सब इंस्पेक्टर नवाब खान, अदीब मल्ला, महर शेख, अब्दुल गफ़ार रिंद, सज्जाद खान, खावर खान, नासिर खान, मोहम्मद अल नासिर समेत शहर की दीगर सियासी, समाजी, फलाही, ताजिर, सहाफती व शोबिश शख्सियात और आमायदीन शहर ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम अरबाब को सिंधी टोपी, अजरक और फूलों के हार पेश किए गए। आज का जो प्रोग्राम था ये असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरबाब इब्राहिम साहब की फेयरवेल हमने रखी थी सिविल सोसाइटी हैदराबाद की तरफ से, और इसमें मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इसको लीड में और इमरान सरवदी साहब कर रहे थे, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इसमें टोटली सिविल सोसाइटी आई, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग आए और मुख्तलिफ जो है मज़ाहिब के लोग आए, और सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा और हैदराबाद न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो आए, जिन्होंने हमारे इस पर पूरा पैकेज बनाया, अरीब शेख, शाकिर भाई जो कैमरा मैन है हमारे, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और इस टाइप के हमें कोशिश है कि इस टाइप के इवेंट्स और भी हों कि जिससे अफसरान को ये हो कि लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जैसे कि आज जो फेयरवेल पार्टी रखी गई थी एक उस शख्स के लिए रखी गई थी कि वो एक हमारा ज़िम्मेदार ऑफिसर बन के आया था, लेकिन आज यहाँ से इतनी मोहब्बतें लेके जा रहा है कि वो एक हमारा फैमिली मेम्बर बन गया है। तो आने वालों के लिए हमारा यही मैसेज है कि हैदराबाद जो है वो खुले दिल लोग हैं, आप उनसे मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत पाओगे, और हम अरबाब इब्राहिम के लिए जो है वो वेल विशर हैं कि अल्लाह उनको और तरक्की दे और उनको मौका मिले तो वो आके हैदराबाद का आके खिदमत। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये बड़ी दुख की घड़ियाँ हैं और अल्लाह पाक मेरे भाई को खुश रखे, जहाँ भी जाएँ इन कामयाबी इनके कदम चूमें, और जहाँ तो दूर रहें लेकिन ये कि अब सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोग रोज़ साथ हों। जैसा कि अरबाब साहब जो इधर आए हैदराबाद में बहुत अच्छा काम किया और सारे हैदराबाद वाले सब दोस्त जो है सब उससे खुश है, खास करके अपने दोस्त हैदराबाद के जो दुकानदार व्यापारी जो भी हैं सबके मसले और सब बोल के, और हमें उम्मीद है जहाँ भी जाएगा वो खुश रहेगा और आइंदा उम्मीद करते हैं जो भी आए इस तरीके से हैदराबाद की खिदमत करे और अपने लोगों की खिदमत करते रहें। इब्राहिम अरबाब साहब की काविशों का मैं क्या जिक्र करूं, जब से ये हैदराबाद में 18 महीने से आए इन्होंने हैदराबाद के अंदर जो है ना वो कारनामे अंजाम दिए हैं जिससे ताजिरबाजी क्या, सोशल वर्कर की टीम क्या, सब लोग इनसे बड़े इंप्रेस हुए हैं, और बिलखसूस मैंने जब भी इनसे मुलाकात की है इनका भाइयों जैसा प्यार देखकर मेरे दिल में भी जस्तजू जागती थी कि मैं हर दफ़ा इनको देखने के लिए पहुँच जाता था, और हर जुम्मा कोई जुम्मा ऐसा नहीं होता था कि मैं इनका दीदार करने नहीं पहुँचता था।